हवा जो है ना लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। काफी गर्म है तो आज हम ये जो M3 है ना M3 के साथ कुछ टारगेट शॉट लगा के देखते हैं। तो मैं आपको डिस्टेंस दिखाता है कैसे कैसे है। M3 है 580cc, ये स्कोप है आपका वेक्टर ऑप्टिक्स का जो कंस्टेंटिन स्कोप है, FFP है, ये मेरा फेवरेट स्कोप है। तो इसे हम उस पार पे कहीं वहाँ पे, तो यहाँ से हमें टारगेट लगाने के लिए यहाँ से गाड़ी लेके मैंने एक बाइक को भेजा, वहाँ से घूम के वहाँ टारगेट लगा के आया। ठीक है, बहुत ही गर्म है। 204 meters काफ़ी गर्म है, पसीना चुता दिया, पर भी हम कोशिश करेंगे प्रॉपर लॉन्ग रेंज। तो 204 meters कुछ आ रहा है, बहुत गर्म है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाएगा, मैं आपको सीधा शॉट करके दिखाता है। ठीक है, गोली का दवा आपको पता है, इतने साइज का गोली का दवा है, उनको मैं हीट कर पाता है कि नहीं, और एक कैन और दो पानी का 1.5 liters का उसमें पानी भर के रखा है, उसको हम हीट करके देखेंगे यहाँ से। तो उनका धूप से ना मोबाइल भी दिखाई नहीं पाता है। ये देखिए, ये M3 अपना रखा हुआ है। तो चले भाई शुरू करते हैं पटापट। कुछ जो है आपका ये जो फेलर का दबा रहता है ना, इतने साइज का, और पानी का 2 बोतल है और एक जूस का कैन है। पहले हम गोली का दबा बहुत छोटा हो गया भाई 200 meters में, तो पहले मैं जो कैन दिख रहा है उसको हीट करके देखते हैं। लगा पाए हवा जो है ना लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो हवा असर करने वाला है, पर भी देखते हैं भाई क्या होगा। ओ भाई लग गया, तो आपको पुटे शायद क्लियर नहीं आएगा, काफी दूर है, तो मेरा GoPro वगैरह नहीं है, मोबाइल से ही चल रहा है। ठीक है, एक कैन गिर गया, अभी बोतल है। हाँ, भाई ऊपर चला गया। हाँ, एक लग गया, 2 लग गया, हल्का सा लेफ्ट की तरफ एंगल लेता हूँ, हवा का बहाव राइट की तरफ है। अच्छा, हल्का सा बच गया, बचते हुए बढ़िया हिट हो गया। अभी जो गोली का 3 दबा है उनको हीट करके देखते हैं, मैं लगा पाएगा कि नहीं। यार बहुत गर्म है यार, लगा ना नहीं लगा, हल्का नीचे लग गया, लग रहा ऊपर चला जा रहा है। हम्म,
हाँ अभी लग गया, एक तिरछा पर ये एक सीधा है उसको गिराते हैं। ओ भाई एक को लगा, हाँ लग गया लग गया। तो मैगजीन को खत्म ही कर देते हैं, जो तिरछा पड़ा हुआ बोतल है उनको भी गिरा ही देते हैं। ना वो पानी निकल गया इसलिए शायद आर पार हो जा रहा है। चलो मैगजीन खत्म ही कर देते हैं। लगा बोतल को लग पूरा है, गिरा नहीं, नीचे गिरा नहीं है। यार मैगजीन भी जल्दी खत्म हो जा, हाँ वो खत्म हो गया। तो दोस्तों पानी ने जैसे तैसे खेत करा, तो ये जो कंस्टेंटिन है ना एपीपी है, इसका मैग्निफिकेशन भी आपका ये नहीं है, 1 से 8 तक ही है, पर भी आप काफ़ी आराम से 200 मीटर भी हिट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको मैग्निफिकेशन कहीं कहीं जो सस्ते वाली स्कोप है ना उसमें 12-16 देता है, वो इतना कारगर नहीं रहता है, ये अच्छा क्वालिटी का। तो आपका मैग्निफिकेशन भले ही ज़्यादा भी ना हो पर भी आपको काम कर जाता है। तो अभी हम क्योंकि पैदल नहीं जा सकते हैं, बहुत दूर है, तो गाड़ी लेके ये भाई जो आज मेरे लिए वीडियो बना दे रहा है, नहीं तो मैं हमेशा अकेला रहता है। वो भाई के आने के कारण मुझे काफ़ी जो है मदद हुआ शॉट लगाने में लॉन्ग रेंज में। तो मैं इनको निकलता हूँ, तो चलो जाते हैं, चलो सुधीर भाई चलते हैं। देखिए गन अभी हम वो गाड़ी है ना मेरा पुराना बसंती, उसको लेते हम वहाँ से घूमते हुए टारगेट तक पहुँचेंगे। चलो हालत खराब इसका पूरा खाल नहीं, ये रहने दो वापस आएगा। चलो चलिए अभी हम टारगेट पे जाएंगे। ये मेरे भाई आने का कारण काफ़ी मदद हुआ, नहीं तो मेरा आज क्या क्या लाल हो जाना था पता नहीं। चले भाई चलते हैं, चलो। हाँ ये भाई नहीं उठाना मेरा आज कुछ तो पटने वाला था बिल्कुल भी। तो चलो चलेंगे हम, बाप रे सब गर्म रे। तो अभी हमको यहाँ से घूमते हुए यहाँ जाना है। ये अभी डूब का वजह से ना मोबाइल का जो है इसलिए भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम फाइनली पहुँच गया, ज़्यादा डूब के वजह से ना कैमरा कहाँ मेरा शक्ल सूरत दिख रहा है नहीं दिख रहा वो समझ में नहीं आ रहा। तो कहाँ से गया था रास्ता, इधर से ना। ये कहाँ था, ओ उधर 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 कहीं है, कहाँ कहाँ लगा देखना पड़ेगा ना। इतना गर्म है ना धूप, इतना गर्म है यार। तो ये देखे यहाँ पे ये कैन था, क्या लगा ओ नीचे हिट हुआ, यहाँ लगा यहाँ चला गया, कहाँ लगा ओ यहाँ लोगो लगा, लोगो लगा ना। उसके बाद ओ ये चिपक गया था इसलिए तो नहीं निकल रहा था। देखे इसको बहुत बार लगा, ये यहाँ चिपक गया था इसलिए ये देखे इधर लगा इधर लगा इधर इधर बहुत ज़्यादा लगा पर ये गिरा नहीं था। क्या होता है एक गोली मिला। देखे कुछ हाल है, ये है गोली का। अच्छा आर पार हो गया यहाँ से, ये गया ये भी लगा आर पार हो गया, और बाकी का नीचे गिर गया उधर।
वहाँ नीचे पे है, तो यहाँ टारगेट था। तो मैं शॉट लगा, देखो भैया ये कैमरा का दिखाई नहीं पा रहा है डिस्प्ले, वो जो घर दिख रहा है ना, गाय का गवाली है, उधर से कहीं गन को दिख रहा है कि नहीं यार। धूप से कैमरा भी कहाँ क्या हो रहा समझ नहीं आ रहा है। यार चलो, चक्कर आ रहा है नहीं आ रहा हमको, नहीं दिख पा रहा है। हाँ बाद में छाया में देखना होगा। तो यहाँ था टारगेट हमारा, वो भाई चला जा रहा है, घर ही हुआ है। तो अभी हम फिर वहाँ घर पे जाएंगे, अपना गन वगैरह वहाँ है। यहाँ और खड़ा होएगा ना, क्या क्या होने वाला है पता नहीं भाई। अरे बोरे बोरे, छाया छाया ढूंढते हैं, छाया छाया। यार लॉन्ग रेंज शॉट लगाना बड़ा दिक्कत कारोबार है यार। तो दोस्तों वही था आज का वीडियो, लॉन्ग रेंज शॉट करने को ही करा, पसीना चूता दिया भाई। ये गर्मी में धूप में आप लॉन्ग रेंज खेलना चाहेगा ना, और अकेले है तो काफी आपको दिक्कत रहने वाला है। आज मेरे पास एक भाई आया, उसके माध्यम से काफी सुविधा हुआ, तो उनको भी गाड़ी के माध्यम से भेजा कि आप टारगेट लगा जा। तो चले भाई, आज का वीडियो में उतना ही, मिलते हैं किसी और जो है नए वीडियो के साथ।